हेलो एवरीवन चलिए मुझे देख पा रहे हैं आप लोग सुन पा रहे हैं ओके रेखा वर्मा आई कूड अंडरस्टैंड योर पेन अभी जो आपको हो रहा होगा कि टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है और एग्जामिनेशन नजदीक आने वाला है सो so, मुझे बुरा नहीं लग रहा है सो यू सेट मी राइट बट ये इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी एनी वेज करना है अभी आ, आप टाइम से आइए तो अच्छा है नहीं तो वरना ठीक है कोई बात नहीं मैं टाइम से आ जाऊँगा ठीक है लेकिन मेरी गलती नहीं है चलिए ठीक है रेखा सर लेट्स स्टार्ट ना हुआ चलिए फटाफट आ जाइए सभी लोग आ जाइए कनेक्ट हो जाइए फिर मैं बात करूँ थोड़ा सा और चिंता मत कीजिए इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है प्रेशर लेने की रेखा जरूरत नहीं है ठीक है और बुरा मत मानिए मुझे बुरा नहीं लग रहा है ये बात भी ध्यान में रखिएगा अगर मैं कुछ कहूँ तो परेशान मत होइएगा क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि इलेवेंथ आवर पर किस तरीके की फीलिंग आती है लोगों के पास आई कुड वेल अंडरस्टैंड दैट सो डोंट वरी ठीक है रेखा चलिए आ जाइए सभी लोग फटाफट आ जाइए कनेक्ट हो जाइए और क्लास को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए चलिए आ जाइए मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ कि आप लोग क्या करें देखिए आज जो हमें डिस्कशन करना है जो डिस्कशन में आज हमें शामिल किया है अभी हमने अपने डिस्कशन को ठीक है ना वो ये है कि किस तरीके से किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं सो कैसे हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम एटलीस्ट वन थर्टी फाइव प्लस क्वेश्चन करें मैंने कभी ये नहीं कहा कि ओवर एमबीसी टारगेट रखना है कि एक सौ साठ आ जाए एक सौ पैंसठ आ जाए एक सौ बहत्तर आ जाए एक सौ पचपन आ जाए एक सौ छप्पन आज सो ऐसा मैंने कुछ टारगेट नहीं रखा है मैंने बहुत ही आइडियलिस्टिक टारगेट रखा है दैट इज अ टारगेट ऑफ वन थर्टी फाइव प्लस ठीक है ना अगर इतना अगर आप करते हैं तो आप ये मान के चले कि आप मोर देन सिक्सटी क्वेश्चन कर रहे हैं यानी कि सिक्स फाइव क्वेश्चन से ज्यादा कर रहे हैं और अभी तक का जो ट्रेंड रहा है जब से पैटर्न बदला है तब से अभी तक सिक्सटी फाइव कभी भी नहीं किया है मैक्सिमम जो है वो आपका फिफ्टी एट तक आया है फिफ्टी एट तक फिफ्टी फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन क्वेश्चन तक आया और मैंने यहाँ पर सेफर साइड के लिए मोर देन सिक्सटी फाइव क्वेश्चन रखा है सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन आप मान सकते हैं ठीक है ना 67 uh, क्वेश्चन भी मान सकते हैं यहां तक मैं जा रहा हूं तो इतना आपके लिए अचीवेबल है आप इतना अचीव कर सकते हैं इतना आप कर सकते हैं ठीक है सो कैसे so, क्या है इसके बारे में थोड़े से हम लोग चर्चा करेंगे फटाफट आ जाइए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए फिर मैं बताऊं सो हाउ टू सिक्योर वन प्लस क्वेश्चन ठीक है आपको टारगेट तो यही करना है कि मैक्सिमम जितना आ जाए बट ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें इस एग्जाम में केवल स्क्रीन इन करना है मेरी बात को ध्यान से समझिएगा इसमें स्क्रीन करना है इसका मेरिट से कुछ भी लेना देना नहीं है

और अभी अपनी क्लास शुरू हो रही है किसकी आ, मेंस की क्लास पीटी का मेंस की क्लास शुरू हो रही है आपकी फिफ्थ ऑफ अक्टूबर से यू कैन ज्वाइन दिस कोर्ट बैच और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो मेरी रैंकिंग है दैट इज सेकेंड रैंक आप ये देख पा रहे होंगे सो so, अभी uh, जो कंक्लेव का है चैंपियंस कंक्लेव का रहा है इनफैक्ट ये जो बैच आपका शुरू हो रहा है ये जानकारी आपके लिए ही है कि फिफ्थ ऑफ अक्टूबर से हो रहा है और ये एक्सेप्शन एडुकेटर्स है तो Exceptional Educators आप देख पा रहे होंगे मृणाल सर को मुझे देख पा रहे होंगे सर को देख पा रहे हैं जो कि हिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं ठीक है ना सारे लोग टीचर्स यहाँ आपको दिखाई देंगे सो so, मृणाल पटेल सर आपको देखेंगे फोर स्टार और आप मेरे स्टार को भी देखेंगे तो इतना ही लगभग है हमारा भी रैंकिंग है ठीक है तो हम लोग इसको फिफ्थ ऑफ अक्टूबर को शुरू करने वाले हैं जितने भी लोग हैं जो फोर्थ अक्टूबर को पेपर खत्म हो जाए जैसा भी आपका पेपर गया ज्यादा सोचना नहीं है

अब भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं फटा फटाफट आ जाइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए जिसमें हमें बात करना है मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोग आ चुके होंगे आम फाइन पर्वत सिंह राठौड़ सलिया आ जाइए सभी लोग देखिए अभी जो हमें डिस्कशन में शामिल करना है जो अभी हमें बात करनी है ना वो देखिए क्या बात करना है हमें बात क्या करना है कि अभी अब हमारे पास आज एक अक्टूबर हो गया और एग्जामिनेशन हमारा चार अक्टूबर को है फोर्थ ऑफ अक्टूबर को है यानी कि आज रात के बाद हमारे पास दो रातें और भी हैं यानी कि कल का और परसों का सेकेंड अक्टूबर थर्ड अक्टूबर अब देखिए जो कुछ भी हमने किया है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमने जो कुछ भी अभी तक कर लिया है ये हमेशा याद रखिए कि वो सबसे बेहतर किया है ये अपने आप पर आपका विश्वास होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है एकदम बिल्कुल गांड बांध के रख लीजिए क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते जो आपने कर दिया है आप वो माने फुल एंड फाइनल है दूसरी बात हमेशा ये याद रखिएगा कोई भी हो जो आज टॉप कर गए हो जो आप ऑलरेडी ऑलरेडी uh, जो एग्जाम सेलेक्ट हो चुके हो वो हूँ या जो लोग बाहर हैं किसी की तैयारी पूरी कभी नहीं होती है कभी किसी को लगता है नहीं कि मेरी तैयारी पूरी हो गई यह एहसास अगर आपके अंदर आ रहा है इसका मतलब है कि आप ये जान लीजिए कि आप अच्छी तैयारी में हैं आपकी तैयारी होती चली जा रही है आप करते चले जा रहे हैं और बहुत अच्छी स्थिति में तो पहला तो विश्वास अपने डेवलप कर लीजिए कि जो कुछ भी आपने किया है वो सबसे बेहतर है और जितना आपने पढ़ा है वही पर्याप्त है यह एक मूल मंत्र है इससे आप भटकने की कोशिश मत कीजिए कुछ भी दिमाग में हो रहा है ये छूट रहा है वो छूट रहा है एकदम पैनिक होने की जरूरत नहीं है अपने नर्व्स को बिल्कुल कूल रखने के कूल और कंपोज रखिए दो प्रकार के अभी हम लोग जो बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो टिप्स मेरा यही है कि एग्जामिनेशन से पहले के लिए कुछ टिप्स हैं और एग्जामिनेशन हॉल के लिए मेरे पास कुछ टिप्स और ट्रिक्स दोनों हैं इनके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे टिप्स क्या है हमारे लिए जो आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे लेकिन बींग योर टीचर बींग योर सीनियर या कभी हमने भी प्रिपेयर किया है हमारे साथ भी वही चीजें हुई जो आज, आज आपके साथ हो रहा होगा इस समय लग रहा होगा ये छूट रहा है वो छूट रहा है ये रिविजन नहीं है कुछ नहीं करना है आपने कई बार अगर रिविजन कर लिया है परेशान होने की जरूरत नहीं है कई बार ऐसा लगेगा अरे यार ये तो पढ़ा है बिल्कुल आंसर बिल्कुल जुबान पे नहीं आ रहा है लेकिन आप यकीन माने ठंडा रहिए कूल रहिए एग्जामेशन जैसे आपके पास ऑप्शन आएंगे वो चीजें आपके हिट हो जाएंगे मेरे पे विश्वास रखिए ट्रस्ट ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी और इस और इससे इससे ज्यादा ज्यादा एक चीज भी याद रखिए कि इस अभी इस अड़तालीस घंटे में अब आप कुछ कर भी नहीं सकते सो हैव अ ट्रस्ट कीप ट्रस्ट ऑन योर से पहला मंत्र है कीप ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ अपने आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी जितना आप कूल रहेंगे जितना भी आप कूल रह सकते हैं जितने भी आप कूल रहने की कोशिश करेंगे वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा कूल कुल रहने की जरूरत करें आप सो so, कुल cool आपको रहना है, cool रहना है है कूल कूल एंड काम सबसे पहली बात है कूल एंड काम परेशान मत होइएगा कि ऐसा कुछ भी मंत्र नहीं होता है मंत्र यही साधारण चीजें होती हैं जिसको आपको हमेशा मनन करना होगा चिंतन करना होगा अपने आप को संयमित रखना होगा अभी आपको डिसिप्लिन रखना होगा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा ये दोनों ही चीजें जरूरी है तो पहला जो मंत्र है वो ये है कि अभी आपको बिल्कुल किसी चीज के लिए रश ज्यादा नहीं करना है बल्कि कूल और काम बिल्कुल कूल और काम जैसे शांत आपका ये दिख रहा होगा कूल दिख रहा होगा उसी तरीके से आपको कूल रहने की कोशिश करनी है एकदम अच्छा अच्छा फील कीजिए है, तारे हैं सब कुछ बिल्कुल ऐसे फील दिमाग को समझिए कि अगर आपका ब्रेन रिलैक्स्ड रहेगा ब्रेन रिलैक्स्ड रहेगा तो जब एग्जामिनेशन में जाएंगे तो एग्जामिनेशन में जाने के बाद आप देखेंगे क्या कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं अभी कुछ प्रश्नों को भी मैं चर्चा करूंगा मैंने कुछ प्रश्न भी डाले हैं आपके लिए जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो कई ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको इजी लगेंगे उसको आप कर जाएंगे कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसका आप आंसर कर सकते हैं लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वो सही होगा तब एक कंडीशन है तभी वो सही होगा वो सही क्या है अगर आपका मस्तिष्क स्थिर है शांत है क्योंकि वहां पर आपको चीजों को ड्राइव करना होगा क्वेश्चंस को ड्राइव आंसर ड्राइव करना होंगे में रीजनिंग रीजनिंग लगानी लॉजिक लगा पाएंगे जब आपका मस्तिष्क रहेगा शांत रहेगा वो रिलैक्स रहेगा अगर वो पैनिक में रहेगा हमेशा रात भर सोते हुए चार तारीख को पेपर है और जो चार तारीख अर्ली सुबह चार बजे सुबह तक आप जग रहे तो दिमाग हमेशा आपका गड़बड़ रहेगा मैं बता रहा हूं

आप वहां पर में कुछ लॉजिकल रीजनिंग लगा पाएंगे etc. जो भी formula वो करना इसलिए अनिवार्य शर्त है कि आपका cool और कंपोज रहना बहुत जरूरी है सो फर्स्ट थिंग अंदर ये हमेशा विश्वास रखिए जो मैंने किया है, ये है अभी को सुनना ही नहीं है जो मैंने कर लिया वो कर लिया क्योंकि आज हमारे पास एक महीना नहीं है दो महीना नहीं है हमारे पास दो दिन है अपने आप को कूल रखना है सो आम दी बेस्ट दी बेस्ट वन

तो जो थेटिकल पेपर्स हैं जो सब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो स्टार्टिंग रिवीजन आप कर लीजिए रिवीजन करते रहिए बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है डायग्नोली भी पढ़ते रहिए क्योंकि आपने अभी तक मैं मानता हूं कि अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपने अभी तक कई बार रिवीजन कर लिया होगा तो अब आपको रिविजन करना है अब रिविजन में क्या करना है वो देखिए आपको क्या करना है कीप गोइंग ऑन और इसमें भी आपको क्या करना है जिसपे फोकस करना है वो याद रखिए वो उन चीजों को ज्यादा फोकस कीजिए जहां पर मैं आपको लगता है कि आपसे चीजें स्लिप हो रही हैं मतलब आपने पढ़ा है लेकिन चीजें स्लिप के निक, होकर निकल के चली जा रही है जैसे कई बार कई बहुत सारे डेटाज होते हैं करंट अफेयर्स का रिपोर्ट्स एंड एनाइसिस होते हैं तमाम चीजें आप देखिए इकोनॉमिक सर्वे का डाटा होता है ज्योग्राफी में डेटा इकोनॉमिक ज्योग्राफी का डाटा होता है तो इन सारी चीजों को आपको याद रखना है पिछले साल भी आपको दो क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी के हैं एक राइस का प्रोडक्शन है वो आप देखा है आपने देखा होगा मैं अभी बोलूंगा कुछ नहीं तो आप देखेंगे वहां पर दो क्वेश्चन इकोनॉमिक इकॉमिक के हैं तो कुछ डेटा आपको याद रखना है आपको रैंकिंग्स याद रखनी है ये पक्का आपको ध्यान में रखना होगा और ये हमेशा चेंज होता रहता है तो अभी जो आपको क्या करना है स्टार्टिंग पोर्शन का जैसे आप रिवाइज करें उसको वैसे करते चलिए और अभी जो फोकस करते रहना है उसमें क्या है जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उनके फीचर्स रिपोर्ट्स इंडाइसेस सर्वे करंट अफेयर्स ठीक है

हाँ लिखा है मैं बता दूंगा आपको तो स्टैटिक पोर्शन में बताऊंगा कि किन चीजों को आपको आपको रिवाइज करना है तो ये आपको यहां जो फोकस करना है गवर्नमेंट स्कीम्स रिपोर्ट्स इंडाइसिस सर्वे करंट अफेयर्स एटसेट्रा दूसरा क्या है कि अभी भी कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं मेरे पास कुछ लोग फोन करते हैं मैसेज करते हैं जो भी जिनके पास मेरा कॉन्टेक्ट है किसी भी तरीके का जो भी जहां भी आपके पास है जहां मुझे आप एक्सेस कर सकते हैं तो आपने वहां पर मुझे कई बार ये लिखा है कि सर थोड़ा मॉक टेस्ट कर रहा हूं सर अभी कुछ नया वाला कुछ मिल गया है वो कर लूं क्या मैं कतई नहीं कहूंगा आपको सलाह दूंगा

अगर आपने पुराना कुछ किया होगा निश्चित तौर पर आपने किया होगा उसको भी रिवाइज कीजिए क्योंकि उसमें जितने भी अच्छे के आपने किए होंगे या कहीं का किया होगा ऑनलाइन में आपने का का होगा कहीं का भी अगर आपने किया है ठीक है तो वो जो है मॉक टेस्ट को आप जरूर रिवाइज करें क्योंकि वो जो होते हैं जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनके क्वेश्चन थोड़े स्टैंडर्ड होते हैं तो वहां से अगर डायरेक्टली क्वेश्चन ना आकर के उनके आंसर से ऑप्शन से कहीं ना कहीं से वो सरोकार आपको दिख जाएगा यूपीएससी कैन कैल्पेट लेकिन आपको वहां से क्वेश्चन देखने की संभावना है तो अगर आपने मॉक टेस्ट किया है पहले किया है तो उन मॉक टेस्ट को भी जरूर कीजिए नहीं ये मेरी सलाह जरूर रहिए उनको जरूर आप लोग रिवाइज कर लीजिए जो आपने कर रखा है उसको रिवीजन में जरूर लेके आइए तो एक तो ये तरीका है सो तो कोई भी नया जो है मॉक टेस्ट आपको करने की जरूरत नहीं है नो डोंट पिक न्यू मॉक टेस्ट ये करना ही नहीं है एकदम बिल्कुल फंडामेंटल अपने दिमाग में बिठाकर लेके चलिए कि कोई भी कर ले कि यार नया मॉक टेस्ट कर लो ये एक नया है करने की कतई जरूरत नहीं है जस्ट फॉर इट दूसरी बात क्या है कि अब ये देखिए कि अब देखते हैं कि जो रिवीजन करना है ना रिवीजन जो मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग पोर्शन में वो आपकी जरूरत के हिसाब से है व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आप देखिए कई जगह आपको देखिएगा कि स्लिप हो रहा है कि आप जानते हैं लेकिन चीजें भूल जा रहे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि उन सेक्शन को आप मल्टीपल टाइम्स देखते रहे यानी कि मल्टीपल रिविजन करने की कोशिश करें यानी कि प्रायोरिटाइज योर रिविजन आपको रिविजन में क्या करना है कौन सी प्रायोरिटी रखनी है सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप मान लेते हैं जैसे मान लीजिए कि मैं अभी आपको बताऊं अगर आपने आप 2020 में जा रहे पेपर देने के लिए तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने 2019 का पेपर तौर पे देखा होगा तो आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे कि dates आपके लिए बहुत important है, dates तो डेट आपको हमेशा याद रहे में क्वेश्चन लगाने के लिए कई बार आता है तो डेट इज वाइट इंपॉर्टेंट दूसरा क्या है लास्ट ईयर आप देखेंगे पॉलिटी के जो क्वेश्चन है सारे के सारे आर्टिकल बेस्ड जो भी आपके एक्ट बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आर्टिकल एक्ट बेस्ड है न, हैं। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल कौन सा एक्ट सो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो इनका रिविजन जरूर करें और ये वो सेक्शन है पॉलिटी और हिस्ट्री के जो आमतौर पर कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो गलत नहीं करना चाहेगा और करेगा भी नहीं अगर ये गलती अगर हो रही है तो यह मान के चले कि आप थोड़ा थोड़ा रेस से बाहर होते चले जाएंगे क्योंकि यहां से यह है, आ रहा है तो आ रहा है इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बहुत घुमाने की कोई जरूरत नहीं है बहुत कम घुमाने का स्कोप होता है चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है बिल्कुल लॉ है पॉलिटी है तो लॉ है आप यहां देखेंगे इस लॉ को आपको बिल्कुल मल्टीपल टाइम्स इतना हो सकता है जो कुछ भी आपने किया है इसका मैक्सिमम रिवीजन कर लिए मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन कर लिए दूसरा क्या है डेटा डेटा आपको याद रखना है कि जो भी डेटा आपके पास है रैंकिंग्स जो कंट्री के आती है हमारा आपने देखा होगा बायोस्फियर रिजर्व नेशनल पार्क ये सारी चीजें एक बार सरसरी निकाह से देख लेंगे ये आपको देखना है बस इन्हीं चीजों को आपको देखना है इन पे ही ज्यादा फोकस करना है इससे ज्यादा आपको फोकस करने की कतई जरूरत नहीं है इस टाइप के जो भी है जैसे रिपोर्ट्स स्कीम गवर्नमेंट स्कीम्स हिस्ट्री पॉलिटी डेटा रैंकिंग एक्सेट्रा इनको केवल आप रिवाइज करके जाइए बाकी पूरा पोथा पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी भी कई लोग गलतियां कर रहे हैं जो कंडक्ट में आ रहे हैं सर ये पढ़ रहा हूं इन्वायरमेंट सर जोग्राफी फॉर हिस्ट्री डॉन्ट फॉर गेटेड आपने पढ़ा है ना इतमान रखिए याद आ जाएगा लेकिन उन चीजों को पढ़िए कि जहां से अभी आपको मैक्सिमम गलती हो रही है। आपने इस पर भी टाइम दिया है लेकिन वहां मुझे पता है कि अगर आपने थ्योरिटिकल पार्ट पढ़ा है स्टैटिक पार्ट पढ़ा है तो अभी आपको भले ही वो पैनिक कर रहा होगा डर लगा रहा होगा लेकिन एग्जामिनेशन में आप शांत होकर जाएंगे अगर आपने रिलैक्स होकर आप गए हैं एग्जामिनेशन में अच्छी नींद लेकर के गए तो मित पर भरोसा रखें ईश्वर पर भरोसा रखें अपनी तकदीर पर भरोसा रखें गलत नहीं होगा नहीं होगा गलत मेरी बात मानिए आप गलत कभी नहीं होने वाला है बिल्कुल नहीं होने वाला है सो so, इसको याद रखें तो अगर ऐसी संभावनाएं हो ही रही होंगी कि सर ये कर रहा हूं इकोनॉमी छूट रहा है वो छूट नो no. अब आपको सेलेक्टिव हो जाना है इस अड़तालीस घंटे में आपको इन्हीं चीजों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइजर टाइम करके जाना है लेकिन हाँ अब ये देखिएगा कि सोने का टाइम कम मत कीजिएगा दो दिन रह गया है क्योंकि अभी आपका बॉडी क्लॉक बिल्कुल गड़बड़ हो गया होगा क्योंकि कई लोग पढ़ते पढ़ते रात से सुबह कर देते हैं ठीक है ना और आप याद रखिए कि सुबह आपका पेपर होना है जब सुबह पेपर होना है तो आपको जिस वक्त आपको पढ़ना चाहिए एग्जामिनेशन देना उस वक्त आपको नींद आएगी उबासी आएगी दिमाग फ्रेश नहीं रहेगा लेकिन कोशिश ये करना है कि अभी हम कोशिश करें कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज दो दिन कम से कम हम, हम लोग कोशिश करें कि चले इस दो दिन में हमारा बॉडी क्लॉक थोड़ा सा ट्यून तो हो जाएगा क्योंकि अभी अब रात में ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत आएगी लेकिन फिर किसी ने अगर मैनेज करना सीख लिया है तो डोंट चेंज इन दैट अगर आपने उसको कॉप अप कर लिया है तो उसको बदलाव करने की जरूरत भी कतई नहीं है उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है यू कैन डू दैट ठीक है चलिए इट्स ओके सो दूसरी बात क्या है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटसेट्रा नाउ यू हैव टू डू दैट ठीक अब एक चीज और बॉस मेरी तरफ से ध्यान रखिएगा कई लोग ऐसा होते हैं अपने साथ अत्याचार करते हैं डोंट बी अत्याचारी अत्याचार सेल्फ अपने साथ अत्याचार ना करें क्या अत्याचार ना करें नींद कम लेंगे खाना कम खाएंगे खाना कम खाएंगे तो गैस बनेगा गैस सर पे चढ़ेगा कमजोरी आएगी वीकनेस आएगा आंख को आगे अचानक सब देखें पड़ के उठेंगे चार घंटे खड़ा हुआ ऐसा देखें चक्कर आना शुरू हो गया ऐसी स्थिति मत आने दीजिए रिलैक्स कीजिए खाना खाइए अच्छी चीज खाइए हेल्दी फूड लीजिए हेल्दी फूड लीजिए दो दो दिन अभी दो तीन दिन बचा हुआ है इसमें बॉडी का जो भी कुछ थोड़ी होगी थोड़ा सा वो जरूर कर लेगा कि आपको वो कम से कम चक्कर आने नहीं देगा गिरने नहीं देगा ठीक है तो इन सारे हालात को भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए कंट्रोल कीजिए क्योंकि अभी आप मैं जानता हूं आप क्या करते होंगे पढ़ने बैठते होंगे अभी अभी खा लिया माँ ने बोला घर में बोला या आपके पास घर में खुद ही बना बनाकर जैसे भी जो भी है अभी ले रहा हूं पता चला कि अभी बैठ रहे हैं लेना है लंच हमारा एक बजे पता चला कि अरे साढ़े तीन गया अब गैस चढ़ गया सर पे चढ़ गया अब लीजिए चक्कर आएगा तमाम चीज तो इन चीजों को अवॉइड कीजिए प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज अवॉइड दीज थिंग्स ठीक है सो इट हेल्दी मेरी बात मानिए अच्छी चीजों को खाइए जितना हो सकता है एंड साउंड स्लिप लीजिए और हो सकता है तो खाने में विटामिन सी के कंटेंट को बढ़ा दीजिए विटामिन सी के कंटेंट को थोड़ा बढ़ा दीजिए ठीक है अगर हो सकता है तो विटामिन सी के कंटेंट को थोड़ा बढ़ाइए

से लेकर पांच से सात क्वेश्चन तक आप पक्का ज्यादा सही करके ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, नींद लेके जा रहे हैं अच्छा खाना खा के जा रहे हैं दिमाग को फ्री करके जा रहे हैं एकदम मस्तिष्क को रिलैक्स कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे अभी भी हमारे पास लगभग साठ घंटे हैं साठ घंटे के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग अच्छा नींद लेने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अच्छा का मतलब यह कि हम जो क्वेश्चन जहां रहेंगे उससे हम कम से कम पांच क्वेश्चन तो ऊपर जरूर करेंगे लेकिन अगर हम लोग पैनिक होकर गए हमने अपने आप को टॉर्चर किया तो पांच क्वेश्चन ज्यादा गलत हो जाएंगे यानी कि जो पांच क्वेश्चन बढ़ सकता है वहां से आप पांच क्वेश्चन पीछे चले गए यानी कि पांच और पांच प्लस दस का नुकसान हो जाएगा सो डोंट टेक दिस रिस्क प्लीज डोंट टेक दिस रिस्क चलिए नेक्स्ट आ जाइए हम लोग बात करें अब देखिए एग्जामिनेशन हॉल का अप्रोच क्या होना चाहिए आपके पास तो देखिए एग्जामिनेशन हॉल में अप्रोच लेके क्या जाना है देखिए कोई फिक्स थंब रूल नहीं है बॉस कोई फिक्स थंब रूल है ही नहीं कुछ भी ऐसा नहीं है आपको करना क्या है ये ध्यान में रखिए एक आपके पास एक ब्रेन में लेकिन एक मैप होना चाहिए एक प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास दिमाग में पहले से ही होना चाहिए कि हमें करना क्या है क्या करना है वहां पर क्योंकि आपने मॉक टेस्ट दिया है आपने 2019 का पेपर देखा होगा फिल्म का 2018 का पेपर देखा होगा तो बहुत हद तक आप एक आइडिया अपने दिमाग में बना बना चुके होंगे कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है समय कितना है टोटल क्वेश्चंस कितने हैं ये सारी जो बेसिक चीजें हैं वो आपके दिमाग में घूम रही होंगी दो घंटा है सौ क्वेश्चन करना है इसमें यह भी करना है वो भी करना है तमाम ठीक है ओके नो प्रॉब्लम नो वरीज कोई दिक्कत नहीं है हमें इसी दो घंटे के अंदर इस क्वेश्चन को मैनेज करना है हो जाएगा डन हो जाएगा पक्का हो जाएगा टेंशन की लेने की बात ही नहीं है क्या हो जाएगा सबसे पहले तो आप देखिए कि जैसे पेपर पे जाते हैं तो पहले एकदम पेपर देखते हैं कई लोग घड़बड़ा करके हड़बड़ा करके एकदम बिल्कुल पेपर फाड़ा ऐसे किया ओम लिखा दस कूल काम कुछ नहीं करना है भगवान को याद करना है गॉड को याद करना है ओके दैट्स गुड गुड हाफ फेथ इन कर लीजिए हो जाएगा ठीक है सबसे पहले क्वेश्चन पेपर लिखिए जस्ट गिव गिव मिनट्स मिनट्स देखिए सारे क्वेश्चन को एक बार हाव अ पेशेंस लो सारे पेजेस के थ्रू जाए उसको एक बार देख लीजिए ठीक है उसमें कई चीजें आपको नजर आती रहेंगी कि आपका ये क्वेश्चन आ रहा है ये क्वेश्चन आ रहा है ये क्वेश्चन आ रहा है और मैं यकीन दिलाता हूं आपको जो मैंने आपको पढ़ाया है ना मैं केवल अपनी पढ़ाने के ऊपर बात कर रहा हूं जो रिपोर्ट्स एंड एंडलाइसिस करवाए हैं मैंने जो मैंने पॉलिटी आपको करवाया है जो मैंने अभी आपका अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स करवाया है जो मैंने आपको स्पेशल पे करवाया आप मैं यकीन आपको मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है आई डोंट आई एम नॉट सपोज टू वे गॉड मुझे लगता है कि तीस से पैंतीस क्वेश्चन तो आपको पक्का वहां देखने को मिलेगा जो भी मेरे स्पेशल सेसन में रहे तो हो फोर्टी फोर्टी फाइव भी आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन जो अभी मैंने पढ़ाए है आपको ग्यारह क्लासेस वहां से भी पिछले साल क्वेश्चन देखने को मुझे मिला फा जबकि मैं इससे अवेयर नहीं था मुझे नहीं मानता हुए क्वेश्चन आया हुआ है सो मुझे इस बात का यकीन है कि आपको मेरे पढ़ाए से भी आपको लगभग फोर्टी क्वेश्चन आएंगे ऐसे सारे टीचर्स के अच्छे अच्छे उन्होंने पढ़ा रखा है सबने अपना बेस्ट किया है तो आप यह मान के चले जो लोग अन अकाडमी यूपीएससी के साथ हैं इतना मुझे पता है कि आपको क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को जरूर मिलेगा ट्रस्ट में तो आप वहां जाएंगे तो पेपर आप देखेंगे ऐसे पलटेंगे जब ना तो आपको कुछ क्वेश्चन लगेगा अरे यार ये पढ़ाया हुआ ये पवन सर ने पढ़ाया पढ़ाया आपको कॉन्फिडेंस आएगा और देखने का उद्देश्य एक और यह भी है इससे आपको यह लग जाएगा पेजेस में कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है कुछ कटा फटा तो नहीं है इट जो भी चीजें आपको चेंज करनी है वो चेंज कर सकते हैं ठीक है थीके? ये आपको कर लेना है एंड उसके बाद आप फटाफट आइए पेंसिल पकड़िए और वहां पर मैं आप जो है फटाफट एक डॉट लगाना शुरू कर दिया जैसे मेरी स्ट्रेटेजी थी कभी आप जैसा भी करना चाहें अगर आपको लगता है कि एक बार में सब क्वेश्चन जो इजी इजीज क्वेश्चन उसको निकाल करके फिर आप राउंड अप करें वो एक मेथड ले सकते हैं या आप करें वन बाई वन करके क्वेश्चन जो आ रहा है उसको रेंगते चले जाए तो उसमें होता क्या है कि जो मेरे से गलती कई बार हुई थी जब मैं कभी देता था पेपर तो उसमें हुआ क्या कि मैंने एक बार अगर क्वेश्चन देख करके फिर आंसर करना शुरू किया ना तो कई बार एक की जगह आंसर दो में लग गया तीन में लग गया ऐसे करके एक भी ब्लॉक अगर छूट गया क्योंकि बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं अगर एक भी छूट गया तो गलती होने की संभावना पूरी रह जाएगी टाइम कंज्यूमिंग होगा और गलती हो गया तो बर्बाद हो गए तो बेहतर यह होगा कि जो भी इजी क्वेश्चन है जैसे आपने देख लिया दो मिनट के अंदर उसके बाद दस मिनट के अंदर आप क्या गया फटाफट उसको पेंसिल से वहां मार्क कर लीजिए अपने आंसर एक बुकलेट लेट पर छोटा सा मार्क कर दीजिए छोटा सा मार्क कर लीजिए फटाफट करके एंड उसको फिर अपने आप वहां पर राउंड सर्कल करना शुरू कीजिए आपकी स्ट्रैटेजी अपनी हो सकती है दैट जिसमें मुझसे कई बार गलतियां हो जाती थी कि मैंने रंगना किया कुछ कुछ होता चला गया आपने स्ट्रैटेजी बनाइए और उसको कोशिश करें आधे घंटे के अंदर आप देखेंगे कि लगभग 35 से 40 क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन लगभग आपका बन गया अगर आपको लगता है कि 35 से 40 क्वेश्चन वन गो में अगर आपका बन गया 40 क्वेश्चन बयालीस क्वेश्चन बना दिया आपने मुझे लगता है कि 45 क्वेश्चन आप वन गो में बनाएंगे डोंट वरी बनाएंगे अगर आपने इतना कर लिया तो आप ये मान के चलें कि उसमें कभी शायद ही कोई गलती होगा तो दो तीन सवाल गलत हो सकते हैं इसका मतलब है कट पिटा हमारा जो है चालीस क्वेश्चन तो है, है, हो गया अब आज तो एक तो सबसे पहला काम यह करना है, है, confirm, है उनको सबसे पहले अटेम्प्ट ले लेना है और यह काम सारा का चालीस मिनट में हो जाना है, ठीक है अब जो अगला समय हमारे पास बच रहा है वो बच रहा है कितना अगर आप देखेंगे तो 80 मिनट लगा बच रहा है यानी कि मोर देन वन आवर बच रहा है मिनट में कर गए पैंतीस मिनट में कर गए मैंने अपर लिमिट ले लिया अस्सी मिनट बच गया बहुत सारा समय बचा हुआ है पावर हो होगा so दे हो और आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा देन वॉट यू हैव टू डू अब उसके बाद देखेंगे स्टैटिक एंड थियोर क्वेश्चन हो गया जो भी ये पॉलिटिका हिस्ट्री का वो सब निकाल दिया अपने जोग्रफी का जो एकदम थियोरटिकल बेस्ड है जो हमने पढ़ किया पढ़ा है हुआ है उसका देखेंगे सेकंड में आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां आपको एलिमिनेट करने की जरूरत पड़ेगी जिसका आंसर जो है आपको शायद नहीं पता होगा या शायद आपने कभी पढ़ा होगा तो याद नहीं आ रही कुछ ऐसा नजर आ जाएगा कि लगे नहीं यार ये आंसर ऐसे नहीं होगा इसका आंसर ये होगा दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन नॉट ये अभी exactly अभी एग्जैक्टली मैं कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा कि वो आपको हिट करेगा दिमाग आपका कंप्यूटर है फास्ट है वो वो देखेगा क्वेश्चन को और उसको लगेगा अरे नहीं यार इसका आंसर ये होता है क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है कई बार आपने कुछ कुछ और पढ़ा है किसी और रेफरेंस में पढ़ा है उन सारे नॉलेज से जो कि नॉलेज है उससे चीजों को आप इन्फर करना शुरू करेंगे और चीजों को एलिमिनेट करना सीख लेंगे सो एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो इसके लिए दिमाग का स्थिर रहना जरूरी है इसी के लिए मैं बात कर रहा था कि दो दिन सोइए ठीक है रिलैक्स कीजिए ब्रेन को ब्रेन वहां आपका, ये आपका कंप्यूटर है बोला गया ना कि एग्जामिनेशन में कुछ भी लेके जाना अरे सुपर कंप्यूटर हमारे साथ जा रहा है क्यों टेंशन ले रहे हैं भरोसा रखिए सुपर कंप्यूटर पे हो जाएगा सब है है इसके अंदर कोई नहीं कुछ भी नहीं करना लेकिन हाँ ये मशीन है इसको भी थोड़ा आराम दीजिए ये आपके सुपर कंप्यूटर आपके पास जा रहा है कुछ लाने की जरूरत नहीं है कैलकुलेटर मत लाइए कंप्यूटर मत लेके आइए मोबाइल लेके मत नहीं लेके आएंगे भाई जब हमारे पास हमारा ब्रेन है ना बहुत एक्टिव है ये कर लेगा सब कुछ मैनेज कर लेगा डोंट वरी फॉर दैट ठीक है सो ये आपको so second, question, तो करना है सो सेकंड में अटेम्प्ट सम क्वेश्चन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एलिमिनेशन तो एलिमिनेट करना सीखेंगे अभी फिर देन क्वेश्चन को आप क्या करें केयरफुली पढ़िए यहां एक चीज याद केयरफुली केयरफुली करने का एक छोटा सा एग्जांपल मैं अभी कॉल करवाऊं आपको कुछ क्वेश्चन में देखेंगे लिखा हुआ है कि विच वन विच वन द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट हमें आदत हो गई करेक्ट करेक्ट करने की या हमें आदत हो गई नॉट करेक्ट करेक्ट करने की आ गया एक करेक्ट करने के लिए तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही गंभीरता के साथ शांत दिमाग से पढ़ना है ये याद रखिएगा तो दिस इज द फंडा कि केयरफुली के गो थ्रू योर क्वेश्चन एंड ट्राई टू कीप यूर सेल्फ रीडिंग एंड अपलाइंग योर रीजनिंग्स और कई जगह आपको जब कूल रहेंगे केयरफुली पढ़ेंगे तो रीजनिंग आपको अप्लाई करना होगा एंड यू विल मैनेज दैट आप कर ले जाएंगे इसको आप पक्का हो जाएगा सर्टन क्वेश्चन so cool. कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं जिसको आपने पढ़ा होगा लेकिन डायरेक्टली नहीं पढ़ा होगा और उससे पूछा गया कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्या होंगे तो उसके लिए भी आपका स्थिर रहना जरूरी है मस्तिष्क स्थिर रहेगा तो आप चीजों को ड्राइव कर लेंगे जैसे कभी कुछ अभी मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ अभी आपको तो आप ये ड्राइव करेंगे आप उसमें एलिमिनेट करना शुरू करेंगे कि हाँ यार इसका ये नहीं ये आंसर पक्का वाला होगा ये आपको करना होगा तो दिस इज द थिंग दैट यू शुड टेक टेक केयर ऑफ तो पहला यह है सिंपल एंड कंफर्म क्वेश्चन कर लें और इसमें तीन से चालीस मिनट में अंदर कोशिश कर लें उसके बाद हमें एलिमिनेट करना है हमें एक डीप थॉट देना है और जो बिल्कुल हार्ड है जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको भी मत छोड़ दीजिए ठीक है और कोशिश कीजिए कम से कम एटी फाइव क्वेश्चन तो हिट कर ही दीजिए कोई बड़ी नहीं है कर दीजिए एकदम हिट कर दीजिए लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितने आपको कितना पहले राउंड के क्वेश्चन पे भरोसा है दूसरे राउंड के क्वेश्चन पे कितना भरोसा है इट मैटर्स ठीक है ना मैंने कहा कि इतना लेकिन इसको कोई रूल मत बनाइएगा ठीक है

कि राजीव गांधी जी के समय में हुआ या इन इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ हो सकता है ये नहीं पता हो आपको अब ये देखिए यहां पे अब मेरी बात को ध्यान से समझिए क्वेश्चन को देखिए समझिए नहीं पता है छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस अब ये क्वेश्चन को देखना है देखना क्या है फॉलोइंग अच्छा इसमें क्या है करेक्ट पूछ रहा है करेक्ट है करेक्ट कौन सा अच्छा ठीक है अब ये देखिए अब ये आपने देख लिया यहां पर दूसरा स्टेटमेंट भी देख लिया टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशियंट इंडिया सेल्फ सफिशियंट नहीं है जबकि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट है फिफ्थ लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है उसके रिजर्व है उसके पास पांचवा सबसे ज्यादा है लेकिन इंडिया सेल्फ सफिशेंट कोल प्रोडक्शन में है ही नहीं ये तो सीधा बात आपके दिमाग से तो निकाल दीजिए तो जैसे ये स्टेटमेंट आया ना नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशियंट इन कोल जो कि एवर एग्जॉस्टिंग है आप देखेंगे जिस तरीके से हो रहा है जितना आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट में पढ़ाई करी होगी जॉग्रफी में पढ़ा होगा इकोनॉमी में पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा तो आपको लगेगा कि कौन जो भी ये सारी चीजें ये एग्जॉस्ट होती जा रही है हम लोग टुवर्ड्स टूवर्ड्स मूव लाए लें सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास है उसे हमें रिजर्व करके रखना है तो सेल्फ सफिशियंसी तो हमारे यहां हो ही नहीं ये तो फंडा ऐसे ही गलत हो गया क्वेश्चन देखना है कि ये सोनो सही है या गलत है अब ये देखिए एक चीज और है कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस बेसिस लॉटरी का मतलब क्या है कि भैया हम चार पांच लोग यहां खड़े हैं बैठे हुए हैं हमारे बीच में कहा कि देखो ये गेम चल रहा है ये ये पासा फेंका गया भैया किसको लॉटरी लगा इसको इसको मिला चलो भाई आवंटित कर आवंटित कर कर दो दो यानी कि कोल ब्लॉक को अब देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है दिमाग लगाइए सरकार हमेशा पैसा के लिए सोचती है सरकार को पैसा कहां से आएगा रेवेन्यू कैसे आएगा कहां से आएगा तो सरकार ये चाहेगी ना कि ऐसे कोल बिड लेने के लिए हर कोई लेना चाहेगा जो कोल ब्लॉक्स होंगे कोल ब्लॉक हर को लेना चाहेगा इस तरह सरकार वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकती है दिमाग को इससे रखे कई तरीके के फॉर्मुलेज हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है कैसे करें सरकार के लॉटरी तो कर ही नहीं सकती है और इसके लिए उसको अच्छा पैसा मिलेगा सरकार ऑक्शन करती है ऑक्शन करती है कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा तो आपको यह दिमाग अप्लाई करना लॉटरी से तो सरकार का रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा उसे उसको सरकार को रेवेन्यू तो मिलना नहीं है लेकिन अगर ऑक्शन में जाएगा तो सरकार को बढ़ी हुई कीमत मिलेगी हाईएस्ट बिडर को मिलेगा तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ सकता है सरकार को पैसा ज्यादा आ सकता है सो यहां पर मैं आप अगर नहीं भी चाहे, तो अगर आप बहुत श्योर होंगे भी नहीं तो आपको लगेगा लगे स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा अब देखिए अब ऐसा तो नहीं है कहीं भी ऑप्शन में दिया हुआ है कि कोई भी ऑल ऑफ द आर रॉन्ग ठीक है ना नन ऑफ द ऐसा दिया नहीं हुआ है यानी कि एक तो आंसर सही होगा और दूसरे के बारे में हम फिफ्टी फिफ्टी श्योर हो चुके हैं कि ये और ये आंसर होगा नहीं अगर हमको नहीं मालूम है कि इंदिरा गांधी है राजीव गांधी है, तो भी हमारे पास एक व्यवस्था है कि अगर हमें अटेम्प्ट लेना है तो एक के साथ जाए दिस दिस इज इज कॉल्ड कॉल्ड एलिमिनेशन आपको लॉजिक लगाना होगा आपको आंसर से आंसर निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी तो यू विल हैव टू सच काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी समझ पा रहे हैं या नहीं मेरी बातों को मेरी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं तो आपको इस टाइप के फॉर्मूलाज को अप्लाई करना होगा एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट लेने के लिए लेने के लिए बात समझ पा रहे हैं रीजनिंग हर किसी का अलग अलग होगा आपके नॉलेज बेस का आपके सोचने का तरीका का आपने जो अभी तक चीजों को इंटरलेट करके जो मैं बार बार लिंक करके पढ़ना सीखे लिंक करके पढ़ना सीखे ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि कैसे इंटर सेंट्रिक ये वही काम आ जाने वाला है जो मैं बार बार अभी आपसे पिछले एक साल से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि अप्रोच के साथ पढ़िए अप्रोच के साथ पढ़िए यही अप्रोच आज आपका 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 धन है यही आपकी पूंजी है यही आपको एग्जाम क्लियर करवाने वाला है मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात समझ रहे या नहीं फटाफट मुझे प्लीज बताइए पहले समझ में आई है नहीं कहानी और कितने लोग इस बात से सहमत है यह प्लीज बताइए क्योंकि ये जो बातें हैं ये कोई पढ़ाई की बात नहीं है ये वो तरीका है ये एक फॉर्मूला है जो हमें अप्लाई करना होगा हमें अप्लाई करना होगा ये हमें क्वालिफाई करना है बॉस हमें स्क्रीन इन होना है हमें मेरिट नहीं बनाना है इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा फटाफट मुझे प्लीज बताएं जस्ट लेट मी नो जितने भी लोग हैं प्लीज मुझे बताइए प्लीज सभी लोग सहमत हैं या नहीं है Agreed or not agreed. लेकर मैं थक गया हूं लेकिन फिर भी मैं चार तक नहीं हाँ मुझे आपके साथ रहना है मुझे आपके साथ रहना है वो उन सारी चीज बोला है ना कि आई ऑलवेज केयर फॉर यू किस वक्त आपको किस चीज की जरूरत है वो मुझे पता है उसके साथ में आता हूं आपके लिए ठीक है अभी तक मैं कहता था कि मैं बिल्कुल पहले आ जाता था बोल जाता था कर नहीं पाता था लेकिन अब मैं करता हूं बोलता नहीं पक्का वाला सभी लोग मुझे प्लीज बताइए जितने भी लोग हैं प्लीज और यार इतने मात्र इतने ही बच्चे अभी देख रहे हैं पीटी में हो रहे हैं ओके वेरी गुड चलिए वन ठीक है चलिए सो अभी आपने देख लिया दैट्स ग्रेट वन दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं सो so, आपने समझा कि कैसे एलिमिनेट करना है कैसे आंसर्स को रेस्पॉन्ड करना वेरी गुड चलिए आइए आप समझने की कोशिश करते हैं वेरी गुड एग्रेड नेक्स्ट आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं इसमें भी समझने की कोशिश करते हैं देखिए क्या है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट क्या है स्टेटमेंट अनकरेक्ट क्या है ये भी देखना पड़ेगा 2019 का क्वेश्चन है 2019 ठीक है 2019 का ये क्वेश्चन है राइट सर as per recent amendment to the indian forest act 1927 forest dwellers have the right to fell the bamboos grown on the forest areas ठीक है ना देखना है आपको चुप चुपचाप ये सारी चीजें आपने जो पढ़ाई करी है ना उसके ऊपर आपके नजर आपकी जानी चाहिए अब यही चीज कहता है लिंक अप्रोच यही सारी चीजें मैटर करने वाली है अभी यहां पे आपके साथ तो आप देखेंगे क्या कि ज पर द रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 फॉरेस्ट सेवन हैव डेव द राइट टू फेल्बुज ग्रोन ऑफ एरिया नंबर वन एक याद रखिए अभी बात करते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस दूसरा स्टेटमेंट तीसरा स्टेटमेंट है दिड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर Of Act, 2006 ओनरशिप की बात दी गई अब देखिए क्या है आपने पढ़ा होगा जोग्राफी में इनवायरमेंट में रिलेशन की बात की गई है मैन एनवायरमेंट रिलेशन आप पूरे साल मुझे याद है कि आपने पढ़ा होगा करंट में डायरेक्टली पढ़ा हो ना पढ़ा हो लेकिन पूरे साल आपने पढ़ा होगा सरकार ऐसे ऐसे पॉलिसीज लेके आ रही है जिसमें जो ट्राइब्स हैं जो जंगलों में रह रहे हैं जो जिन क्षेत्रों में रहे हैं, है उसको करके रखना चाहती है और ये आपने कई दफे पढ़ा होगा कि उनके पास ये जो है अभी तक सदियों से उनके पास ओनरशिप था फॉरेस्ट के ऊपर में और ये बात करें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है मैं बता कुछ दिमाग में स्टेटमेंट आपके लिए गलत भी हो सकता है गलती कैसे हो सकती है संभावना हो सकती है कि ये जो है, ये जो एक्ट है 2006 का ना होकर हो, हो। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जनरली यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं डालती है कि वो ईयर से आपको दे इस टाइप के क्वेश्चन में ठीक है यहां ऐसा तो नहीं करेगी तो इसे जनरली अगर ये पीसीएस होता तो मैं गारंटी नहीं लेता लेकिन मैं यह कह रहा हूं एट्टी चांसेस होता है कि इस टाइप के एक्ट में वहां सही संभावना रहती है सही रहता है वो आंसर सही रहता है कि ईयर जो डाला हुआ होगा वो सही होगा तो ये आंसर आपके ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग आप इसको निकाल सकते हैं कि हाँ ओनरशिप ओवर माइनर फॉरेस्ट कि जनजाति लोग हो स्टेटमेंट सही निकलेगा बता रहा मुझे पता नहीं है मैं जानता ही नहीं। अभी भूल कि मुझे पता नहीं जो मैंने अभी तक पढ़ाई करी है मुझे भी आपके साथ पेपर देने जाना है तो मैं इस बेसिस पे कहूंगा कि दैट इज फाइन ठीक है दूसरा क्या है ट्राइबल एंडेशनल बैंबू इज अर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बैंबू ऐसे भी अगर आपको ये तो आपने पूरे साल भर पढ़ा है National Bamboo Mission, फिर भी आपको मालूम है कि जंगल मेंोड्यूस में काउंट में होगा यह आपका यू आप कैन जो भी आपने साल भर में पढ़ा है डायरेक्टली पढ़ा हो ना हो मैं पता नहीं है अगर पढ़ा होगा तो वेल एंड गुड तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं आंसर सीधे लगाओ लेकिन अगर नहीं पता है तो रीजन कहीं नहीं बैंबू इज नॉट अट प्रोडक्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा That's fine. और मैंने आपको क्या बताया कि ये जो एक्ट होगा ये गलत नहीं होगा जनरली वो सही होगा तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा अब ये देख लीजिए अब देखिए कि आपके पास क्या है कि एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी सेवन फॉरेस्टर्स द बैंबूज ग्रोन इन द फॉरेस्ट एरिया देखिए फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत अगर कोई है बैंबू भी है तो कटिंग को अलाउ नहीं किया जाएगा नहीं किया जाएगा उसका जो नॉन फॉरेस्ट एरिया होगा यानी कि जंगल के अंदर का जो नॉन फॉरेस्ट एरिया होगा यहां पर जो बेम्बूज वगैरह है उसको कट करने की इजाजत दी गई अगर अंदर डीप जंगल में जाकर के अगर आप कटिंग करने का काम करेंगे तो यहां का फ्लोरा फोना और जो सारा का सारा चीज होगा वो डिस्टर्ब होगा तो सरकार ने आपको ये राइट दिया होगा ये बाहर के लिए होगा नॉन फॉरेस्ट एरिया के लिए होगा डीप फॉरेस्ट के लिए नहीं होगा क्योंकि हमारे यहां वाइल्ड लाइफ का जो है उनको थ्रेट हो रहा है उनके लिए प्रॉब्लम आ रहा है जो हमारे यहाँ जो ग्रीनरी है वो कमती चली जा रही है तो ये सारी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं

More than मैं 90 आप सही करने की गुंजाइश आपके साथ रहेगी इस टाइप के प्रश्न में अभी तो आंसर आपके पास है लेकिन इस टाइप के प्रश्न को तो अगर आप देखेंगे वहाँ पर में तो आपका क्या होगा खाना अच्छे से खा, खाते रहिएगा भी साठ घंटा लगभग अपने पास है इस साठ घंटे में आप कमाल कर सकते हैं पूरा साल भर का साल भर का फलसा आने वाला है भी ध्यान बस रखिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं ट्राई कर लेते हैं फटाफट कितने लोग हो गए अरे यार 100 तो कर दो बहुत दिनों तक देखा नहीं है अपने क्लास में तीसरा क्वेश्चन देखिए देखिए ये भी यहां भी यहां देखते हैं मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इनक्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अब ये देखिए क्या है अब मनी मल्टीप्लायर बहुत कॉमन टर्म है मेरे लिए है मैं समझ रहा हूं लेकिन मैंने पढ़ा नहीं मान लेते हैं कि मैंने पढ़ा नहीं है मैं, मैं स्टूडेंट हूं मुझे पता ही नहीं मनी मल्टीप्लायर का क्या कंसेप्ट है यार In, in an economy increases which of the falling, किसको ये बढ़ाने की कोशिश करता है इनकर, है ठीक ना मनी मल्टीप्लायर क्या इनका तो in किसके बारे में होगा दो बातें आ सकती है एक हो सकता है कि कॉमन पीपल के लिए जो बैंक के अंदर है उनके लिए और दूसरा हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है उसके लिए ठीके? तो गवर्नमेंट कभी अपना पैसा मल्टीप्लाई नहीं करेगी अभी मनी मल्टीप्लायर नहीं होगा वो ठीक है वो नहीं होगा तो डेफिनेटली ये बात करें किसके लिए इंडिविजुअल जिसके पास अकाउंट अकाउंट में पैसा होगा वो आदमी उसके लिए इंडिविजुअल के बारे में अब कैश रिजर्वेश इंक्रीज करेगा तो कैश अगर इंक्रीज करेगा तो लिक्विडिटी का क्रंच होगा आपको मालूम है लिक्विडिटी यानी तरलता कमेगी और जब कमेगी तो जाहिर सी बात है कि जिसका अकाउंट होगा जिसके पास पैसे होंगे उसका मल्टी मल्टीप्लाई नहीं करेगा क्योंकि वहां लिक्विडिटी की कमी रहेगी तो ये जो स्टेटमेंट ऐसे ही गलत बन जाएगा आपके लिए ठीक है ये बन जाएगा अब देखिए दूसरा क्या है कि यही कंसेप्ट स्टैचरी एस में भी आपके साथ लागू होगा और पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है अब ये देखिए ये मनी मल्टीप्लायर है ये इंक्रीज करेगा बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन में अगर पैसा बैंक में जा रहा है तो आप मानते हैं कि उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा

कि आप प्लीज थोड़ा शांत जाइए कूल होकर जाइएगा और थोड़ा इस टाइप ये 2019 के प्रश्न है देखिए कितना इजी आपको लग रहा होगा आसानी से कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया, आ गया गया कॉन्फिडेंस हो गया काम कॉन्फिडेंस आ गया काम हो गया हो गए हम पीटी के अंदर क्लियर लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना है ये भी याद रखिए कई बार ओवर कॉन्फिडेंस है, है ना वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी फिर थोड़ी दूसरी होने लगती है फिर वो फिर फोकस को वो भी डिस्टर्ब करता है अंडर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस दोनों का दोनों जो है ना वो आपको स्टेबल नहीं रहने देगा और यहाँ पर मैं आपको दोनों को मैनेज करना है ना तो अंडर कॉन्फिडेंस जाना है ना ही ओवर कॉन्फिडेंस होना है पक्का हो जाएगा नहीं का सवाल ही नहीं है डर लगे एक बार ये वीडियो जरूर देख के जाइएगा पवन सर को याद रखिएगा याद रखिएगा मेरे सकल को याद रखिएगा जब भी टेंशन हो आग बन की जाए पवन सर को याद रखिए पवन सर ने क्या कहा पवन सर ने क्या कहा दो दिन पहले ही कहा है अभी बिल्कुल याद रखिए मेरे भाई मेरे बहन सब कुछ मैं बता रहा हूं ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी अपने भी भरोसा नहीं पवन सर पे भरोसा रखिए पवन सर ने बोला है कि सही होगा मेरे साथ होने वाला है सही होगा अगर आपने एक चीज ईमानदारी से अभी तक पढ़ाई कराए तो ये सारी चीजें तभी काम आने वाली हैं कि जब आपने पूरे साल भर ईमानदारी से पढ़ाई की है जो बातें मैंने आपको बताई हैं जो मैं हमेशा अप्रोच सेंट्रिक इंटर अप्रोच के बारे में बात करता रहा था अगर आपने इसको किया है डेफिनेटली होने वाला है अभी मैंने आपके लिए अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स शुरू किया मैंने आपके साथ MCQ किया पार्टी का पूरा साल भर का क्वेश्चन किया एज आपको इतने तरीके से पढ़ाया आपको आर्ट एंड कल्चर भी भी पढ़ाया जितना पॉसिबल हो सकता था सारी चीजें करिए ट्रस्ट मी यू विल क्रैक ट्रस्ट मी यू विल क्रैक यूको सेवरी वन की हम होंगे कामयाब सब फटाफट सभी लोग लिखे फटाफट पहले लिखे फिर मैं आगे बात करूं हम होंगे कामयाब प्लीज सभी लोग लिखे हम होंगे कामयाब ट्रस्ट मी लिखिए लिखिए आपको करना पड़ेगा लिखिए हम होंगे कामयाब फटाफट एवरी वन आई एम वेटिंग फॉर यू और कोई भी हो जिसके पास क्वेश्चन आ जाए ना पेपर पे मैं उस पर देखूंगा नहीं आप लोग मेरे व्हाट्स जो भी आपके पास किसी के पास भी एक्सेस है तो मुझे क्वेश्चन पेपर फटाफट फटाफटर तो से भेज दीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो ठीक है ना आ जिया यादव अभी मैंने क्वेश्चन हिंदी में लिखा ही नहीं था सो आई एम सॉरी फॉर यार ये मुझे याद नहीं था क्योंकि मैंने बस क्वेश्चन ले लिया ठीक है आई एम सॉरी विनीत सो so, अगर मुझे लगता है ध्यान रहता है, तो मैं पक्का हिंदी भी लेके आ जाता हम होंगे कामयाब लिखना है आपको हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब पक्का ट्रस्ट मी आप ऐसा करेंगे ये नारा लगाना है हम होंगे कामयाब और आपको कमेंट में बॉक्स में लिखते हुए जाना है और सभी लोग लाइक एंड शेयर करते हुए जाइए चार को पेपर दीजिए पांच को मैं बैच लेके आ रहा हूं आप लोग के लिए मीन्स भी पूरे इतमान से करवाऊंगा पूरे इतमान से करवाऊंगा और आप देखिएगा ट्रस्ट मी मेरा चेहरा याद आएगा आप लोगों को चार अक्टूबर के पेपर में डेफिनेटली याद आएगा जो मैंने करवाया ना पूरा ईमानदारी से करवाया और ईमानदार इस पक्ष पर भरोसा है कि कभी ईमानदार प्रयास असफल नहीं होता है मैंने ईमानदारी से करवाया है आपको पक्का वहां से सवाल देखने को मिलेगा और उसी तरीके से अगर आपने ईमानदारी से मेहनत किया है तो आपको मिलेगा आपको रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा 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 हम होंगे कामयाब डेफिनेटली वे लिखते जाइएगा आप लोग फटाफट तो, फटा फट। तो सभी लोग समझ पा पाएंगे और मैं फिर से आपको एक दिन और बताऊंगा कल भी मैं कुछ और चीजें देकर आऊंगा कॉन्फिडेंस बूस्ट करूंगा आपका पक्का करेंगे पक्का करेंगे कल भी बात करेंगे रात के नौ बजे ही बात करेंगे कुछ और चीजें अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा वो भी आपके लिए एक बूस्टर ही होगा वो भी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा सो थोड़ा सा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन में भी हुआ होगा आप में थोड़ा सा फैथ भी आया होगा क्योंकि इस वक्त ऐसे किसी आदमी की जरूरत होती है आप लोगों के पास जो आपके में उंगली को पकड़ के रखे नहीं तुम चल रहे हो और अच्छा चल रहे हो जो कहने वाला हो नहीं जो तुम कर किए हो वो अच्छा क्यों ये कहने वाला होना चाहिए आदमी और इसी से आप अपने आप को इंश्योर करेंगे नो आई एम दे राइट वन आम दे राइट वन हमें करना है हम करेंगे हमने किया है सो ये होना चाहिए लेकिन यार दोस्त भाई ये याद रखना नो ओवर कॉन्फिडेंस नो अंडर कॉन्फिडेंस दोनों ही स्थिति में मेंटल बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ होने लगता है बहुत खुश हो गए तो भी गड़बड़ हो जाएगा अंडर कॉन्फिडेंट हो गए तो भी गड़बड़ हो जाएगा ठीक है ना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है सोते रहना भाई खाते पीते रहना मस्त रहना पेपर मस्त जाने वाला डोंट वरी डोंट वरी बॉस डोंट वरी ठीक है सो चलो यार गुड होप होप टू टू सी सी यू यू पक्का पक्का वेटिंग फॉर दैट ठीक है ना आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहा होगा ठीक ठीक है है यू मस्ट डू दैट तो चलिए अभी मिलते अभी ऑल द बेस्ट नहीं करो गुड नाइट करो है साउंड स्लिप गुड नाइट गाइज गुड नाइट तारे देखिए सपने देखिए थोड़ा सा अच्छे अच्छे सपने देखिए सपना देखना भी अच्छा है लवासना के सपने देखा कीजिए गुड नाइट टेक केयर एवरी वन स्वीट ड्रीम्स एकदम बिल्कुल रिलैक्स हैव हैव साउंड 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 बिल्कुल अगर जिन्हें खाना नहीं खाया खाना खा के बढ़िया से सो जाइए साउंड स्लिप कल सुबह उठिए और आराम से फिर से जो भी रिविजन करने का काम है जो भी बताया है उसके करते रहिए द थिंग जो मैं आज कहूंगा कल कुछ और कहूंगा परसों कुछ और कहूंगा ये डोंट वरी फॉर दैट ठीक है एक बार सौ का आंकड़ा पार तो कर लो सभी यार ठीक है बहुत दिन हो गए आप लोग नहीं है तो मेरा सौ का आंकड़ा भी पार नहीं कर रहे हैं आप मेरी स्ट्रेंथ है और सौ का आंकड़ा पार नहीं हो पा रहा है ठीक है कोई बात नहीं है कोई बात नहीं डोंट वरी कोई बात नहीं आंकड़ा पार करवाने की जरूरत भी नहीं है आप लोग बस पढ़ते रहिए मस्त रहिए जाइए आराम से सोइए खाइए पीजिए मस्त रहिए सो आज का क्लास रखता हूं ठीक है जय हिंद का नारा लगाते हुए चलिए गुड नाइट गुड बाय टेक केयर मिलते हैं कल सुबह जो लोग हैं सो so मिलते हैं कल ओके ओके गाइज ओके गुड नाइट टेक केयर एवरी वन ऑफ लव ऑफ ब्लेसिंग्स